राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्यूट कानांची में। तो आज हम अपने कानांची के लिए इस टाइप की जो है हैवी ड्रेस बनाएंगे। ये मैंने जो है प्लेन कॉटन के कपड़े से बनाई है और इसके ऊपर ये जैकेट मैंने अलग से बनाई है। और इसके जो है आप ड्रेस सिंपल ड्रेस भी बना सकते हो, अदरवाइज ऊपर जैकेट भी बना सकते हो। तो ये बहुत खूबसूरत सी ड्रेस जो है आप घर पर ईजीली बना सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान है। ये हम जो है इस वीडियो में 2 पीस बनाएंगे। तो आइए फर्स्ट पीस हम जो है इसका घेरा और जो इसकी नीचे वाली चोली है ये वाली, ये बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर हम जो है इसकी जैकेट बनाएंगे। जैकेट भी बहुत प्यारी सी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिप ली है। इसकी मैंने विड्थ जो ली है वो ली है 34 इंचेस की। मैंने ली है 5 नंबर के कानांची के लिए। तो आपको जिस भी साइज़ के अकॉर्डिंग सेट करना है तो आप उसे अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक मेज़रमेंट टेबल है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप उस PDF फाइल को देखकर जो है मेज़रमेंट सेट कर सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न वियर के अकॉर्डिंग जो ये वाला घेरा है उसकी विड्थ कम रहती है, तो उसके लिए मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि ये मैंने 5 नंबर के लिए ली है। 3 इंचेस की स्ट्रिप ली थी और 3 साइड्स में मैंने हेमिंग की है। ऊपर वाली साइड में मैंने हेमिंग नहीं की, जहाँ पे हमारी चोली अटैच होगी। तो ये जो 3 इंची की मैंने टोटल ली थी तो 2.5 इंचेस की हमारे पास रह जाती है। तो ये मैंने एक स्ट्रिप ली है। अब इसकी जो है चोली कट कर लेते हैं। तो चोली के लिए आपको आपकी कानांची चाहिए, तो इस टाइप से मैंने अपने अपने कानांची ले लिए हैं। और अब इनकी आप ले लीजिए यहाँ से पेट से इस तरह से इंची टेप लगाइए और यहाँ से लेकर बैक तक, यहाँ तक का मेज़रमेंट कीजिए। तो ये 4 इंची का हमारे पास मेज़रमेंट बनता है। तो हमें 4 इंची ना लेकर हमें कितना लेना है, 1 इंची ज़्यादा, मतलब 5 इंचेस का, क्योंकि थोड़ी बहुत जो है हेमिंग हो जाती है। तो ये मैंने ले लिया 5 इंची का। उसके बाद मैंने जो ये वाला लेना है आपने कमर का साइज़, तो सिर्फ फ्रंट का आप माप लीजिए। तो ये देखिए यहाँ से शोल्डर से लेकर यहाँ तक मैंने मापना है। तो ये मेरा 2.5 इंची का है, तो ये मैंने जो है 3.5 इंचेस का लेना है, क्योंकि हेमिंग भी जाएगी। और यहाँ पे जब हम कट लगाते हैं बीच में कानाजी की शर्ट टाइप में, जहाँ पे हम वेलक्रो टेप या फिर बटन्स लगाते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत हेमिंग होती है, तो जो है फैब्रिक लग जाता है। तो इसलिए मैंने 3.5 इंचेस का ये वाला फैब्रिक यहाँ वाला लेना है। तो 3.5 बाय 5 इंचेस की मैंने स्ट्रिप कट करनी है। तो ये मैंने स्ट्रिप कट कर ली है। तो अब हमें क्या करना है कि इस स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करें। अगर आप 2 साइड्स में चाहें तो हेमिंग लगा सकते हैं अभी, अदरवाइज़ इस पर कोई भी लेस लगा दीजिए। तो मेरे पास एक पिंक ये वाली लेस है, तो ये मैं इसके दोनों शोल्डर्स पे लगा दूँगी। और अब हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से फोल्ड करके हमने एक साइड बीच में से कट लगाना है, इस तरह से करके। और हम जो है कैंची की हेल्प से एक साइड जो है बीच में से काट लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने हेमिंग कर देनी है। यहाँ पे हमने थोड़ी सी नेक जो है निकाल लेनी है, ज़्यादा कट नहीं लगाना, हमें जो है स्मॉल साइज़ में कट लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम जो है थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके हेमिंग करेंगे। और उसके साथ ही हम जो है यहाँ पे ये वाली गोल्डन जो पाइपिंग है वो वाली ऐड कर देंगे यहाँ पे, इस तरह से लेकर यहाँ राउंड शेप में, और सेकंड वाली साइड पे इस तरह से आ जाएगी। और दोनों आर्म्स पे मैं ये वाली जो है सेम लेस लगा रही हूँ। अदरवाइज़ आप लेस नहीं लगाना चाहते तो हम जैकेट भी बनाएंगे इसके साथ की, तो आप उस पर लगा सकते हैं। तो आप इस पर लेस मत लगाएँ, सिर्फ ये वाली जो है पाइपिंग लगा दीजिए। तो ये देखिए मैंने इस टाइप से जो है पाइपिंग लगाई, तो जो नेक की बहुत ही सुंदर सी शेप हमारे सामने आती है। तो इसको हम बैक साइड से इस तरह से करेंगे और यहाँ पे आर्म्स के लिए स्टिच लगा देंगे। तो जिस भी साइज़ के आपके कानांची है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आर्म्स का मेज़रमेंट करना है। तो इसके लिए मैं जो है 1.25 इंची रख रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर 1.2 इंचेस रख कर और हम यहाँ पर इस तरह से स्टिच लगा देंगे। तो अब हमारा जो भी ये वाला घेरा बच जाएगा, जो मैंने पहले 5 इंचेस का लिया था, तो अगर आपका 4 इंचेस बच जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्ट्रिप में चुन्नटें डालनी हैं। तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे आपने जो है हेमिंग नहीं की, उसी स्ट्रिप साइड में इस तरह से जो है 1 बाय 1 करके जो है प्लेट्स डालनी हैं। और ये प्लेट्स आपको जो ये वाली स्ट्रिप है उसको आपको
इस चोली के जो है ये नीचे वाला जो भी होगा आपका मेजरमेंट, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको सेट करना होगा। तो ये देखिए चोली भी हमने इस तरह से स्टिच लगाया और एक्स्ट्रा ये वाला फैब्रिक दोनों साइड्स का हम जो है कट कर देंगे। अब हमें इसको जो है सीधा करके अपनी कानांची को पहनाकर भी देख लेना है और उसके बाद जो है हम ये घेरे में प्लेट्स डालकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वाला जो है घेरा रेडी कर लिया है। तो ये मैंने किस अकॉर्डिंग सेट किया है, जो भी मेरा जो है नीचे का ये वाला मेजरमेंट रहता था तो उस अकॉर्डिंग मैंने सेट किया। यहाँ पर मैंने वेलक्रो टेप भी ऐड कर ली है। तो ये देखिए जैकेट बहुत अच्छी लग रही है और यहाँ पे हमने इसके साथ ये वाला जो है घेरा यहाँ से लेकर इस तरह से अटैच कर देना है। तो ये भी मैं अटैच कर देती हूँ। उसके बाद हम एक जो है कान्हा जी की जैकेट भी बनाएंगे इस सूट के ऊपर पहनाने के लिए और उस पर ये मैचिंग लेस लगाएंगे। तो ये देखिए घेरा अटैच करने के बाद इसकी जो लुक है वो कुछ इस तरह की होगी। तो हम जब भी इनको पहनाएंगे तो ये वाले जो है हम फ्रंट साइड रखेंगे, तो यहाँ पे आप कोई भी 3 बटन या फिर नग स्टोन कुछ भी लगा सकते हो स्मॉल साइज़ के, तो आप ये यहाँ पे लगा लीजिए। अब हम जैकेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैकेट के लिए मैंने ले लिया है गोल्डन कलर का फैब्रिक। तो गोल्डन कलर का फैब्रिक मैंने लिया है, तो ये वाला जो मैंने ऊपर वाला पार्ट कट किया था तो सेम एज़ आपको उसी तरह से कट करना है, बट इसमें जो आपने मेज़रमेंट है वो 1.5 इंची ज़्यादा लेना है। जैसे कि हमारा 4.5 बाय 5.5 इंचीज़ का बनता था या जो भी आपका बनता है मेज़रमेंट, तो आपने इसका थोड़ा सा और ज़्यादा कट करना है क्योंकि हम जो है इनको फ्रंट साइज से जैकेट पहनाएंगे तो थोड़ा सा इनकी बाजू के लिए एक्स्ट्रा चाहिए। तो उसके लिए मैं जो है ये वाली सेम साइज़ की इसके थोड़ा सा और ज़्यादा ले लेंगे। तो ये फैब्रिक कट कर रही हूँ। तो ये देखिए 1/2 इंची और ज़्यादा दोनों साइड्स मैंने कट करना है। वहाँ पे मैंने 1 इंची कट किया था एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 1.5 इंचीज़ मैंने एक्स्ट्रा कट करना है। तो ये सेम साइज़ की मैंने स्ट्रिप जो है कट कर ली है। तो इसके मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आर्म्स के लिए यहाँ पे लेस लगानी है इतनी इतनी, मतलब 1.5 इंचीज़ की अप्रोक्सीमेटली हमारी जो है लेंथ 1 आर्म की रहेगी। तो 3 इंचीज़ की हमने यहाँ पर एक लेस लगानी है, 3 इंचीज़ की हमने यहाँ पर एक लेस लगानी है और फिर हम जो है इसको यहाँ से इस तरह से कट करेंगे राउंड शेप में, जिस टाइप से जो जैकेट की लुक होती है उसी टाइप से हम लुक देंगे। तो अभी मैं ये आर्म्स की लेस लगा लेती हूँ। तो ये देखिए दोनों आर्म्स पे मैंने लेस लगाने के बाद यहाँ से मैंने एक जो है मिड पॉइंट से इस तरह से कट लगाना है इस तरह से, और यहाँ से हमने क्या करना है इसको इस तरह से पकड़ा और यहाँ से हमने राउंड शेप देनी है जिस तरह से जो है हमारे खुद की जैकेट्स की होती है। तो इस तरह से करके हम जो है इसको इस तरह से थोड़ा सा राउंड में इस तरह से कट करेंगे और इन सब पे भी हमने जो है सेम कलर की ये वाली ही लेस ऐड कर देनी है। तो यहाँ तक जाएगी हमारी लेस, यहाँ से स्टार्ट होकर और यहाँ तक इस तरह से जाएगी। और यहाँ पर भी हमने स्मॉल सा नेक के लिए जो है कट लगाना है, जैसे कि हमने इसकी चोली में लगाया था। तो इस तरह से ही हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में हम इसको जो है कट लगाएंगे इस तरह से। तो ये मैं यहाँ पे भी लेस अटैच कर लेती हूँ और फिर जो है हमारा यहाँ पे हेमिंग वाला अंदर वाली साइड में स्टिच लग जाएगा, तो ये जैकेट जो है रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए इस टाइप से जो है हमारा नेक का प्रॉपर डिज़ाइन बन गया है। अब मैंने अंदर वाली साइड में इस तरह से करके जो है सेम चोली का मैंने स्टिच देना है और यहाँ पे नीचे वाली साइड में दोनों की हेमिंग कर देनी है। तो ये जो जैकेट है वो रेडी हो जाएगी। तो मैं इसको जो है हेमिंग करके और यहाँ का फिटिंग वाला स्टिच देकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जैकेट जो है बनकर कंप्लीट रेडी हो चुकी है और इसके साथ की ये मैंने जो है चोली पे भी स्टोन्स वगैरह लगा लिए हैं। तो ये ड्रेस कंप्लीट रेडी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।